जी नमस्कार सलाम सत यू ऑल अ वेरी वॉर्म वेलकम टू तो दिस वंडरफुल चैनल आकाश माइजूज नीट यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी एक और बेहतरीन सेशन लेकर के आज के इस सेशन में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा सो देखते हैं जी कितनी आपकी तैयारी है नीट की परीक्षा की 11वीं और बारहवीं दोनों के क्वेश्चन आपको आज के सेशन में देखने को मिलेंगे तो हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस बड़े ध्यान से पढ़िएगा प्रॉमिस, राइट right? मान लो किसी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है भाई पहला ऑप्शन ही उसका आंसर है लेकिन जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस इस एग्जाम में स्पीड एक्यूरेसी दोनों चाहिए होती है है ना तो स्पीड तो आपके पास है बेहतरीन एक्यूरेसी भी जरूर बना करके रखिएगा तो चलिए जी एक पॉजिटिव सोच एक पॉजिटिव एनर्जी और एक जील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में से आप बहुत सारी चीजें सीख करके जाएंगे हेलो सलोनी हेलो आनंद हेमलता लक्ष्मी तनु रेखा शर्मीन आनंद वैभव वेलकम 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 अच्छा एक काम जरूर कर दीजिए मैं ये चाहूंगा कि आप इस सेशन का लिंक ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए मोर द नंबर मनीष जायदी प्रवीण शेखर शिवम वेलकम 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 लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा ऑल माई राजा बेटा याद रखिएगा वर्ल्ड फेमस डॉक्टर आपको बनना है एक दिन आप भी मेरी तरह यूट्यूब पे आकर के बेहतरीन डिग्रीज और एक्सपीरियंस जब आपके पास हो जाए तब आप भी फ्यूचर डॉक्टर्स को गाइड करें यही मेरी तमन्ना है मैं भी आपको एक बेहतरीन मुकाम पे देखना चाहता हूं राइट जी चैट बॉक्स में इस समय आप मेरा टेलीग्राम लिंक भी देख रहे हैं जो बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक जो है नजर आ रहा है मैं आपको अलग से भी बता दूंगा टेलीग्राम पर चिंता मत कीजिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद एम फिल एंड पीएचडी डिग्री मोर देन 23 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स मुझसे पढ़ के अपना भविष्य बना चुके हैं अगला नंबर आपका है कोई भी परेशानी है कोई भी बात करना चाहते हैं तो याद रखिएगा डॉक्टर सचिन कपूर टॉक राइट ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं ठीक है जी सो कैन वी स्टार्ट द सेशन एक बार चैटबॉक्स में थम्सअप साइन भेज दीजिए कि सर वार्म हो गया है गर्मी आ गई है जोश आ गया है और सेशन शुरू कर दीजिए रिचा ने शिवांशु ने गीतिका ने कह दिया सर सेशन शुरू कीजिए तो चलिए जी पहला सवाल आपकी नजर ये रहा नॉम क्लेचर इज गवर्नड बाय सर्टन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉम क्लेचर जब हम कहते हैं कॉन्ट्रेरी शब्द का अर्थ समझिए अगेंस्ट है कॉन्ट्राडिक्ट करता है चारों बातें पढ़ते हैं इतमिन से क्वेश्चन का जवाब देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर वन डॉट बी वन डॉट सी जो भी आपको आंसर लग रहा है ज्यादातर बच्चे अभी तक ए आंसर कर रहे हैं देविना दसारी फ्रॉम तेलंगाना वेलकम वंडरफुल जी पहला ऑप्शन बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटर्न इन एनी लैंग्वेज यही आंसर है गलत है लेकिन

लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में से बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए दूसरा सवाल स्क्रीन पे आपके लिए ये रहा ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स ये नीट 2022 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी था मैंने यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे ये पूछ लिया कि व्हाई ऐसा क्यों है

डाटा को हम डिवाइड करते एक एंड क्रेनिएटा में एक प्रोटोकॉडेट्स में भी आ जाते हैं यूरोकॉडेट और सिफेलोकॉडेट एंड दूसरे होते हैं क्रेनिएटा क्रेनिएटा जिनमें क्रेनियम है वर्टिब्रेट्स ठीक है जी ये इंपॉर्टेंट है ये आपकी फिंगर ट्रिप्स पे होना चाहिए एक बिना क्रेनियम वाले क्रेनिएटा सी आर ए एन आई ए टी ए क्रेनिएटा इसी में आते हैं वर्टीब्रेट रीढ़ की हड्डी है जिनमें ठीक है जी और एक रेनिया में क्या आ जाते हैं वो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जिन्हें प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं जिसमें यूरोडाटा और सिफेलोकॉडाटा आता है तो ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का मुस्कान बेटा याद रखिएगा अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हैमी कॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स इज हेमी कॉर्डेट्स को पहले कॉर्डेट्स में रखा गया था बाद में हमने हेमी कॉर्डेट्स को उठा करके कॉर्डेट्स में से अलग कर दिया नॉन कॉर्डेट्स में डाल दिया तो फिर हम ये कहते हैं दैट हेमी कॉर्डेट्स आर काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स ऐसा क्यों हेमी कॉर्डेट के एग्जांपल याद है ना बेलानोग्लॉसस एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड वेंट्रल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स या फेरिंग्स विदाउट स्लिट्स लक्ष्मी प्रीतम रेखा गीतिका प्रवीण वंडरफुल सी जवाब दे रहे हैं जी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट सो लेट सी इफ सी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही कहा आपने फेरिंग्स गिल स्लिट्स याद रखिएगा हैमी कॉडेट्स नोट कर लो अर्लियर प्लेस्ट अंडर कॉर्डेट्स लेकिन हमें बाद में पता चला इनमें स्टोमोकॉर्ड होती है इनकी स्टोमोकॉर्ड अलग तरह की है वो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है नोटोकॉर्ड मीजोडम से बनती है कॉर्डेट्स की एग्जांपल बेलैनोग्लॉस बेलैनोग्लॉस को टंग वर्म भी कहते हैं बेलैनो को ऑक्स टंग या टंगवम भी कहते हैं अगला सवाल ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका फेवरेट पोर्शन पोर्सन मानसि सलोनी निधि प्रतीक अलोक चलिए जी अगला सवाल स्फिंक्टर ऑफ ओडाई अगर पास है जल्दी से पन्ने पलट के देखो एक पेनक्रियासिनम का का डायग्राम बना हुआ ना राइट हिपैटिक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जुड़ते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर जुड़ती है डक्ट आगे बनती है तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जी इसका जो डायग्राम एनसीआर में है मेरे राजा बेटा सवाल वहां से भी पूछा जा सकता है स्पिंग ऑफ अडाई कहां प्रेजेंट है जंक्शन जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड इलियम और सीकम, और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे नहीं जंक्शन ऑफ डक्ट एंड डिओडिनम दिस इज द करेक्ट आंसर गेस्ट्रोईसोफेजियल जंक्शन ये भी गलत है गेस्ट्रोईसोफेजियल जंक्शन पे गैस्ट्रोईसोफेजियल स्विंगटर होता है तो सी इज द करेक्ट आंसर राजा बेटा याद रखना additional information भी बता रहा हूं ध्यान रखना हिपेटिक right दोनों जुड़ के कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती हैं। उनके साथ आके गॉल ब्लैडर की डक्ट जुड़ती है गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या कहते हैं सिस्टिक डक्ट सिस्टिक डक्ट सी एच डी कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलकर के सी बी डी बनाती है कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज सी बी डी जल्दी से अक्षय ठाकुर भानुप्रिया गीतिका प्रतीक जल्दी से बताओ वेंकटेश संपूर्ण बकार अली कॉमन बाइल डक्ट बिल्कुल सही का बकार ने ये सीबीडी होती है कॉमन बाइल डक्ट याद रखना बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल जूस में बाइल सॉल्ट है बाइल पिगमेंट होती है बाइल पिगमेंट के नाम याद रखने हैं हमें बिली रूबिन बिली वर्डिन बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है अलोक बेटा बाइल सॉल्ट हेल्प इन दी इम्सिफिकेशन ऑफ फैट्स अगला क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम में से आराम से पढ़ते हैं चल, तुम पढ़ो आराम से मैं जरा गरम गरम पानी पी लू ग्रीन टी अभिनंदन संपूर्ण श्रद्धा आलम पांचवें सवाल का जवाब देते समय क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना है टोटल लंग कैपेसिटी ज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स इंस्पीरेशन जैसे मैंने ऐसे करके गहरी सांस ली तो इस समय मेरे लंग्स में क्या क्या है मेरे लंग्स में टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम ये सारी चीजें हैं ये कहलाती हैं टोटल लंग कैपेसिटी तेजश्री ने कहा डी दिवान्शी शिवानी अबे आलोक सबका जवाब एकदम सही है जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए प्रवीण मजा आ रहा है बिल्कुल जी तो इसका मतलब तैयारी स्ट्रॉन्ग है चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन सर्क्यूलेटरी सिस्टम में से क्वेश्चन उठाया मैंने ये ठीक है जी अरहम जैन अरहम बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा अरहम जैन ब्यूटिफुल नेम यू हैव गॉड ब्लेस यू चिन्मय पाटिल आशा जवाब दो हिपेटिक पोर्टल वेन हिपेटिक वर्ड लिवर से रिलेटेड इट ड्रेन ब्लड टू लिवर ठीक है मैं ये एक ऑर्गन बना रहा हूं इस ऑर्गन से हिपेटिक पोर्टल वेन ये रही हिपेटिक पोर्टल वेन ये ब्लड लेके जाती है लिवर की तरफ ये रहा लिवर ये है एच पी वी फुल फॉर्म हिपेटिक पोर्टल वेन किस ऑर्गन से ब्लड ये लिवर की तरफ ला रही है सेज डी दिव्यांशी भार्गव ने सी कहा सी गलत है किडनी नहीं मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं लिवर के पास तो इंटेस्टाइन होगी ना डी इज द करेक्ट आंसर ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तो हिपैटिक पोर्टल वेन देखो आप कहोगे भाई वेन किसी ऑर्गन को ब्लड देती थोड़ी है वेन तो ब्लड लेके जाती है लेकिन ये पोर्टल सिस्टम्स है हमारे शरीर में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है है ना तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है फूड एब्जॉर्ब हो जाता है है ना? तो इस डाइजेस्टेड फूड को जब विलाए में एब्जॉर्ब कर लिया गया ब्लड में चला गया न्यूट्रिएंट्स ब्लड में आ गए तो फिर हिपेटिक पोर्टल वेन कहती है पहले मैं न्यूट्रिय लिवर के पास लेके जाऊंगी So so फंक्शन क्या है यह पैटिक पॉटल वेन सीधा भी तो हार्ट की तरफ ब्लड ले जा सकती थी ना लेकिन नहीं इंटेस्टाइन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय एब्सॉर्ब हुए हैं सो so पहले उन न्यूट्रिय को स्टोर कर लिया जाता है न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड इन लिवर उसके बाद लिवर से एक वेन बाहर निकलती है उस वेन का नाम है हिपैटिक वेन और वो हिपैटिक वेन फिर हार्ट को ब्लड लौटा देती है ध्यान रखना हिपैटिक पोर्टल वेन लिवर को ब्लड देती है वेन लिवर से ब्लड हार्ट की तरफ ले जाती है एक और आर्टरी भी है जो लिवर को ब्लड देती है क्या आप मुझे इस आर्टरी का नाम बता सकते हो शर्मीन कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट आर्टरी विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लिवर भाई लिवर एक ऑर्गन है उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए राइट जी बताओ मुझे जल्दी से जल्दी से प्रियांशु हिपेटिक आर्ट्री इट इज हिपेटिक विच सप्लाईज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लिवर इट इज हिपेटिक पोर्टल वेन विच गिव्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लिवर पल्मोनरी नहीं बहुत से बच्चे पल्मोनरी आर्टरी क्यों लिख रहे हो गलत लिख रहे हो गीतिका पिटाई कर दूंगा मैं सब बच्चों की संपूर्ण दत्ता ने सही लिखा है इट इज हिपेटिक आर्टरी राजा बेटा क्या हो गया आपको लिवर को पल्मोनरी थोड़ी तुम लंग्स के साथ कंफ्यूज हो रहे हो यही गड़बड़ होती है एग्जाम में लिवर लिखा था या लंग्स लिखा था गड़बड़ कर गए हिपेटिक आर्टरी दिस आर्टरी सप्लाईज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लिवर याद रहेगा आप सब आपको है ना पल्मोनरी यहां कहां आ जाएगी ऑब्वियस ही बात है पल्मोनरी तो लंग से रिलेटेड है एक क्वेश्चन और पूछ लेते होते हैं कि भाई यूरिया जो होता है वो लिवर में बनता है ये बात हम जानते हैं इन लिवर बाय यूरिया साइकिल और बोलते हैं तो लिवर से जो वेन बाहर निकलती है ना हिपेटिक वेन उसमें मैक्सिमम यूरिया कंटेंट है एक क्वेश्चन में और डिस्क्लोज कर रहा हूं आपके सामने विच वेन हैज मैक्सिमम यूरिया कंटेंट इन योर बॉडी हिपैटिक वेन हैज मैक्सिमम यूरिया कंटेंट इन दॉडी आदित्य है याद रहेगा और अगर पूछा जाए मिनिमम किसमें है तो हमें सोचना होगा यूरिया को शरीर से बाहर यूरिन की फॉर्म में कौन निकालता है किडनीज हाँ रीनल आर्टरी किडनी की तरफ आती है यूरिया लेके किडनीज के नेफ्रॉन अपना काम करते हैं यूरिन बना के उसे बाहर निकाल देते हैं तो किडनीज से जो वेन बाहर जाएगी उसमें मिनिमम यूरिया कॉन्टेंट होगा याद रहेगी ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रीनल वेन रीनल वेन हैज़ मिनिमम यूरिया कंटेंट हम मैक्सिमम भी याद रखेंगे हम मिनिमम भी याद रखेंगे राजा बेटा अगला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आने वाला है और ये रहा मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में से मसल कॉन्ट्रैक्शन में से आराम से पढ़ो कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन यस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होता है जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो कैल्शियम रिलीज होता है तो हमें ध्यान रखना है कैल्शियम करता क्या है एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन था ना ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन ने मिलके मायोसिन की बाइंडिंग साइट को ढका हुआ था तो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करके बाइंडिंग साइट्स को अनब्लॉक कर देता है मैंने क्लू दे दिया लेकिन बच्चों ने पहले ही सही जवाब दे दिया That's wonderful. मैं चारों पढ़ूंगा। फ्रॉम एक्टिन गलत सेकेंड एक्टिवेट मायोसिन एटीपीएस बाई बाइंडिंग टू इट्स गलत वो मैग्नीशियम करता है मैग्नीशियम आइन चाहिए होते हैं मायोसिन एटीपीएस के लिए इंपॉर्टेंट है

720 का है ना मैं तुम्हारे लिए कट ऑफ बता रहा हूं प्रियांशु 720 में से 710 नंबर आएंगे तो एम्स दिल्ली मिलेगा वरना नहीं मिलेगा ख्वाब तोड़ दो अपने छोड़ दो यहीं पे तो जो बच्चे एग्जाम होने से पहले कट ऑफ की बातें करते हैं वो डरपोक किस्म के होते हैं वो अकलमंद होशियार इंटेलिजेंट नहीं है बिल्कुल नहीं है क्लिनिकल केस कहूंगा मैं दो नीट की परीक्षा सात मई को होनी है रिजल्ट नहीं आया पेपर नहीं हुआ कट ऑफ की बातें चल रही हैं, क्या बात है एक बार तालियां हो जाए जी इस क्लिनिकल केस के लिए चैट बॉक्स में चलिए जवाब समझ आ गया चलो कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रेक्शन में याद रखना और अगर ये पूछ लेते मायोसिन एटीपीएस को कौन एक्टिवेट करता है संपूर्ण याद रखना मैग्नीशियम आयंस रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर परफॉर्मिंग इट्स एक्टिविटी अगला सवाल स्केलेटल सिस्टम में से आराम से पढ़ो डॉक्टर निखिल मजा आ गया प्रवीण शेखर वेरी गुड आना भी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं प्रियांशु मिश्रा कह रहे हैं आपका ओपिनियन जानना चाहता था प्रियांशु ओपिनियन दिया मैंने तुम्हारे लिए सात में से सात सौ लाओगे तो एम्स के ख्वाब देखना वरना छोड़ देना बेवकूफी का सवाल किया आपने पूरी तरह से 200 परसेंट बेवकूफी पेपर भी नहीं हुआ और लोग पूछने चल रहे कट ऑफ बता दो सॉरी एक अकलमंद टीचर ऐसा कभी नहीं कर सकता राइट right? हां जी आठवें का ए कह रहे हैं बच्चे जवाब देखते हैं जी क्या है सही जवाब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सही बात बतानी देर आर सेवन पेयर्स ऑफ वर्टिबोस्टर्नल रिब्स वर्टिब्रोस्टर्नल जो वर्टिब्रा से भी जुड़ी है स्टर्नम से भी जुड़ी है एक सरे के साथ तक ट्रू रिब्स होती है मुझे पहला ऑप्शन सही लग रहा है मैं ध्यान से पढ़ूंगा वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स यानी ट्रू रिब्स देर आर थ्री पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स मतलब फॉल्स रिब्स एंड टू पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स यानी फ्लोटिंग रिब्स सोनी वर्मा सही लग रहा है जब आप अगले ऑप्शन पढ़ दें जरूर ट्रू रिब फॉल्स रिब फ्लोटिंग रिब रिब ट्रू होती है एक से लेकर तक पेयर पीछे से भी जुड़ी है आगे से भी जुड़ी है है फॉल्स रिब्स होती आठ नौ दस पीछे से तो जुड़ी हैं आगे से डायरेक्टली स्टर्नम से ना जुड़ के सातवीं रिब के साथ कॉस्टल कार्टिलेज से जुड़ती हैं ग्यारहवीं और बारहवीं पेयर तो फ्लोटिंग होती है सिर्फ पीछे की तरफ जुड़ी हुई हैं आगे की तरफ नहीं जुड़ी हैं बाकी ऑप्शंस देखते हैं एट नाइन एंड टेन पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम ये गलत है

एंजॉइंग द सेशन और जो बच्चे जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चैट बॉक्स में हम आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी बता रहे हैं डॉक्टर डी आर डॉक्टर सचिन कपूर टॉक टी ए एल के टॉक

हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर भूख लगना प्यास लगना संतुष्टि महसूस होना सेटाइटिस सेंटर थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि हमारे शरीर का तापमान कौन रेगुलेट करता है थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी हाइपोथैलेमस है तो पहली ऑप्शन तो सही है दूसरी लिंबिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन्स कंट्रोल द मूवमेंट बिल्कुल नहीं डॉक्टर निखिल लिंबिक सिस्टम तो मूवमेंट के लिए नहीं है एन खोल के देख लो लेकिन अगला ऑप्शन पढ़ते हैं इनकरेक्ट बात ढूंढनी थी सारी देख लो मेडुला ओब्लोंगाटा यहाँ पे मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया होता है बिल्कुल होता है यहां पे कार्डियो स्टिमुलेट्री एरिया कार्डियो इनिबिट्री एरिया होता है बिल्कुल होता है चौथा ऑप्शन कॉर्पस कैलोसम कॉर्पस कैलोसम मैमल्स का फीचर है कॉर्पस कैलोसम को हार्ड बॉडी भी कहते हैं इट इज बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स विच कनेक्ट द राइट एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो हमने आंसर ढूंढ लिया हमने बतानी थी कि भैया इन करेक्ट बात कौन सी है बी वाली एनसीईआरटी में से एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन उठाया है एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ठीक है जी राइट right? बकार सेरिबेलम जो है वो आपका बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम बनाता है सेरिबेलम को लिटल ब्रेन कहते हैं ना सेरिबेलम कंट्रोल्स दी मूवमेंट द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम मानसी अगला सवाल आराम से पढ़ो टाइम लगेगा मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन कॉलम वन कॉलम टू कॉलम वन में ऑर्गन ऑफ कॉटाई भैया ये कान में होता है हियरिंग से रिलेटेड है कॉकलिया स्पाइर स्ट्रक्चर है इसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉटाई है यू स्ट्रेचिंग ट्यूब कनेक्ट्स यूर मिडल इयर विद्स इक्वलाइजे प्रेसर ऑन बोथ साइड बोन आराम से कर लो आराम से शिवम ने कहा पाइनल इज द थर्ड आई बिल्कुल ठीक मैं चाहूंगा कि वीडियो का लिंक शेयर कर दो यार अपने सभी ग्रुप्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स में टेलीग्राम ग्रुप्स में लेट मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन आपको भी तो मजा आ रहा होगा इतने सारे बच्चों में आपका सही जवाब आ रहा है तो बच्चे मुझे ए कह रहे हैं अरहम ने भी ये कहा है अरहम साहब आपका नाम हमें पसंद आ गया चलो देखते हैं ए ए इज का फोर मतलब ऑर्गन ऑफ लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन ठीक है जी बी का टू मतलब कॉकलिया क्वाल्ड पार्ट ऑफ द लेबर क्वाल्ड लाइक द शेल ऑफ अ स्नेल यू ट्यूब सी का होना चाहिए वन इट कनेक्ट्स द मिडल ईयर विद द फैरिंग्स स्टेप्स जो है इट इज अटैच टू ओवल विंडो स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी ईयर का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ईयर के स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में दसवें सवाल का एकदम सही जवाब है ए मैं आपको एक बात बता ऑर्गन ऑफ कॉरटाई को स्पाइरल ऑर्गन भी कहते हैं

अगला सवाल ग्यारवा सवाल केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से मैंने हर चैप्टर में से एक एक सवाल जरूर उठाया है ग्यारहवीं का भी और बारहवीं का भी हाउडर्स स्टेरॉइड हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंस सेलुलर एक्टिविटी ये रहा सेल ये रहा सेल का न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था मान लो ये स्टेरॉयड हॉर्मोन है एस फॉर स्टेरॉयड एंड एस फॉर सीधा एंट्री

तो इसका मतलब है ये डीएनए के थ्रू काम कर आते हैं तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन स्टेरॉयड की जगह ना यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते थे मान लो टेस्टोस्टिरोन लिख देते मान लो ईस्ट्रोजन लिख देते मान लो प्रोजेस्टिरोन लिख देते या मान लो यहाँ पे आपके लिए वो एल्डोस्टिर लिख देता एग्जामिनर तो भी ध्यान रखना है है ना? Steroid hormones जो है, उनका एक्शन कैसे होता है उनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे नहीं चाहिए होते। होतेबल है Plasma membrane is bilayer of phospholipid. तो सीधा उस lipid membrane को क्रॉस कर जाते हैं ठीक है राहुल चलो अगला सवाल बारवा सवाल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में थैंक यू ओम थैंक यू सो मच ओम हां <coughs> जी शशि आराम से पढ़ो ध्यान से जल्दबाजी नहीं करनी मेरे बच्चों ने रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन आप सॉल्व करो मैं आपको क्लू देता हूं ये एग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उलमा ये न्यूक्लियस है ये ग्लाइकोप्रोटीनिशियस लेयर है जोना पैलुसिडा इसके बाहर भी होती है कोरोना रेडिएटा होती है ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर कोरोना रेडिएटा हां जी ये कह है रहे हैं बच्चे की जोना पैलुसिडा कोरोना रेडिएटा रेडिएटाइन स्पेस वेल द करेक्ट आंसर इज जोना पैलुसिडा स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है ना एक्रोसोम ऑफ स्पर्म के ऊपर जो है एक्रोसोम ऑफ स्पर्म जो है यहां पे पहले एक्रोसोमल रिएक्शन होगा पोर्स बन जाएंगे फिर एंजाइम्स रिलीज होंगे कई तरह के एंजाइम्स हैं

मैमल्स केस में जोना पैलुसिडा होती है और हमसे मैमल्स की बात पूछी गई थी के केस में जोना दैट क्लियर राइट मेरे बच्चे अगला सवाल ठीक है जी ये रहा सवाल नंबर थर्टीन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ध्यान दीजिए आराम से ध्यान दीजिए जी थैंक यू सो मच जी कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर यू आर द गॉड ऑफ द बायोलॉजी नहीं मैं गॉड ऑफ बायोलॉजी नहीं हूं बिल्कुल भी मैं सिर्फ एक स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी हूं बेटा आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी शिवानी आरम जैन क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे हैप्लोइड हैप्लोइड बताने हैं ध्यान दीजिएगा गलती नहीं करनी रफ में बना के देख लो साथ में मैं आपके साथ-साथ बनाता हूं आप इसे सॉल्व करो सपोज ये है स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ हुई तो बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस वन हुआ मियोसिस वन होने पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने जो कि कियड है महेंद्र शर्मा कह रहे सर आई एम सॉरी मैं स्कूल में था

प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड है तो मैंने क्लू तो यही दे दिया ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता है ना तो प्राइमरी uh, साइड भी नहीं हो सकता प्राइमरी साइड तो डिप्लॉयड होता है तो बचा क्या आंसर इज बी उज्जवल प्रेम दिव्यांशी आंसर इज बी ऑप्शन लेट मी टेल यू इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन इसके लिए आपका बेस सॉलिड होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से पढ़ लेना ऊजेनिस अच्छे से पढ़ लेना मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा डॉक्टर सचिन कपूर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी ठीक है तेजस्वी राइट मेरे बच्चे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फोर्टीन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से है फॉलोइंग हॉर्मोन अच्छा तो हमें बताने हैं हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ढूंढना हॉर्मोन होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी होता है आईपिल वगैरा बताया आपको बैरियर मैथड में नहीं होता भाई बैरियर मैथड में कहां से होगा बैरियर मैथड में तो आ जाते हैं जैसे कॉन्डोम्स डायाफ्राम्स तो इनमें तो कोई हार्मोन नहीं है तो ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता सेकंड देख लेते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया प्रोलैक्टिन हार्मोन इन्वॉल्व है हाँ ये बात सही है लैक्टेशनल एमेनोरिया प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही तो है बच्चे के जन्म के बाद मां जब अपना मिल्क दे रही है बच्चे को अपना दूध पिला रही है तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होता है प्रोलेक्टिन से एल एच एफ एस एच डाउन रहते हैं तो ओवुलेशन नहीं होता पिल्स बिल्कुल सही है पिल्स में भी हार्मोन है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में तो है ही है। तो ये वाला आंसर होना चाहिए इसका लेकिन मैं बाकी ऑप्शन पढ़ूंगा बाकी ऑप्शन पढ़ना क्यों जरूरी होता है कई बार मोस्ट करेक्ट ढूंढने वाली बात हो जाती है इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ो और ये भी हो सकता है कि आगे की ऑप्शंस में कोई क्लू छुपा हो इसके बाद जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनसे रिलेटेड कोई हिंट मिल जाए कोई क्लू मिल जाए अक्षय सही बात बोली है ना मैंने सो बैरियर मेथड नहीं हो सकता ये कट जाएगा कॉपरिटी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो copper -containing device है, गुड क्वेश्चन दिस क्वेश्चन कैन कम इन नीट एग्जाम ठीक है बच्चे चौदवा हो गया क्वेश्चन has एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स chromosomes, ओके okay. So, एक महिला है एक फीमेल है उनको एक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड कोई समस्या है एक पर है फीमेल्स कैरियर है तो एक्स एच एक्स मान लो कैरियर हेमोफीलिया वाली फीमेल अब हम दिखाते हैं कि इनकी शादी हुई एक नॉर्मल मेल से सपोज एक नॉर्मल मेल से एक्स एक्सलिंग कंडीशन ऑफ वन ऑफ आर एक्स क्रोमोजोम दिस कंडीशन कैन बी ट्रांस इनहेरिटेड बाय अब अगली जनरेशन में इनके मेल बच्चे भी हो सकते हैं फीमेल बच्चे भी हो सकते हैं तो अगर इनके हस्बैंड जो है, है, वो है तो इनकी जो बेटी होगी ये कंडीशन हो सकती है अगर इनका बेटा होगा उसे वो डिजीज हो सकती है इनकी एक बेटी नॉर्मल हो सकती है बिल्कुल कैरियर ना हो एक सुपुत्र भी नॉर्मल हो सकता है समझ आ गया क्लियर है तो उसके फीमेल बेबीज में उसके मेल बेबी में दोनों में जा सकती है ये चीज़ तो अक्षय क्लियर है ना इजी था ना सवाल सवाल अच्छा भी था जेनेटिक्स में जब इस तरह के क्रॉसेस बनाते हैं ना तो बड़ा मजा आता है बच्चों को वेल बोथ सन्स एंड डॉटर्स राइट अच्छा अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके सारे सवाल सही गए हैं एनी वन एनीवन जिसके सारे सवाल सही गए हैं लाइक like बढ़ते रहने चाहिए आपके लाइक्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं चाहे मुझे कितनी भी ठंड लग रही हो इस समय तापमान बहुत कम है आठ नौ डिग्री होगा जहां पे मैं हूं मजा आ रहा है ग्रेट जी वंडरफुल चलो तो अगला सवाल सिक्सटीन इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन वट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज लगाओ दिमाग जरा प्रेम बताओ तनु का एक ही क्वेश्चन गलत हुआ अभी सोच लो आराम से कोई बी कह रहा है कोई डी कह रहा है इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया दोनों ही सेल एनीमिया के लिए हेट्रोजाइगस है होमोजाइगस नहीं है हेट्रोजाइगस है व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड सिकल सेल एनीमिया याद है ना ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ये ऑटोसोम से रिलेटेड है पहले तो ये ध्यान दे देना ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इनहेरिटिंग द डिजीज इज इक्वल ना ऐसा नहीं है कि मेल में ही होगा फीमेल में ही होगा या मेल में ज्यादा संभावना है, नहीं ये ऑटोसोम से रिलेटेड से तो रिलेटेड ही नहीं है नॉर्मल एलील होता है एच बी ए सिकल सेल वाला एच बी एस सो अन्य होमोजा है एच बी एच बी ए है जीनो टाइप ऑफ कैरियर अनियर है बट अन एफेक्टेड है वो एच बी एच बी एस लिखते हैं हम और जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है होमोजाइगस एच बी एस और एच बी एस लिखे जाते हैं ठीक है जी अब आप देख लीजिए क्रॉस बना के एच बी एच बी एस एच बी एच बी एस दोनों को हमने हेट्रोजाइगस ले लिया है यहाँ पे मेल दिखाया है ये मेल का सिंबल है ये फीमेल का है एच बी एच बी एस हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस अब इनका क्रॉस करके देखते हैं एक प्रॉबीबिलिटी है एच बी एच बी ए वाले बच्चे पैदा होने की वो अनअफेक्टेड है एक प्रोबेबिलिटी है एच बी एच बी एस वो कैरियर है और अनअफेक्टेड है और एक प्रॉबेबिलिटी है एच बी एच बी एस वो कैरियर है और अन है ऐसा लगेगा ना वन इज टू टू इज टू वन वाली रेशो जैसा ये एच बी एस एच बी एस है ठीक है निकिता क्लियर है सो द करेक्ट आंसर इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस और सिकल सेल एनीमिया व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज बीमारी कितनों को होगी तो भाई बीमारी तो एच और एच वाली सिचुएशन में ही आएगी ना इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू भविष्य होम किचन के नाम से आइडिया सर आई एम फ्रॉम आकाश साउथ एक्स सेंटर तो आपको ये होम किचन के नाम से आईडी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी तो बड़ी अजीब बात है अगला सवाल पढ़िए जरा ध्यान से ऑल मई राजा बेटा एंड रानी बेटियां दिव्यांशी तीर्थ राज मुखर्जी तनु निकिता ग्रेट बताओ आंसर पढ़ लो पहले आराम से क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना सेवनटीन एडनीन मेक्स थर्टी परसेंट ऑफ द डीएनए वट विल बी दर्सेंटेज ऑफ थान गोयन इन साइट टू सीन बताए ए टी जी सी कर लोगे बताइए जी अकॉर्डिंग टू द चारूल्स ए इक्वल्स टी एंड जी इक्वल सी जितना ए उतना टी है जितना सी है उतना ही जी है ए प्लस जी एडनिन गिन प्यूर एंड सी प्लस टी ये साइडोसिन थामिन प्रिमिडीन है टोटल कॉन्टेंट सौ परसेंट हुआ तो अगर ए तीस परसेंट है तो इसका मतलब है टी भी तीस परसेंट होगा तो आप जी और सी निकाल लीजिए जी प्लस सी प्लस थी थर्टी थर्टी हंड्रेड आ रहा है सो दू यू गेट दिस इज करेक्ट आंसर सिक्सटी फोर्टी हो गया इज इज क्लियर सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया हमने चारगेफ रूल से आराम से आपसे ये चीज सॉल्व हो जाएगी देख लीजिए एक बार स्क्रीन पे आराम से देख लीजिए कोई डाउट है तो पूछिए पाखी सोनी वर्मा निधि आयुष मणि आस्था भानुप्रिया सोनू कुमार कह रहा आप कहां थे मैं कहा हूं मैं यहीं तो हूं तुम्हारे सामने <laughs> चलो गीतिका अगला सवाल इवोल्यूशन में से डिस्कवर्ड इन जावा इन एटीन नाइनटी वन एटीन नाइनटी में जावा में डिस्कवर किया गया अब आप तो ऑफकोर्स खत्म हो चुके हैं क्रेनल कैपेसिटी 900 हंड्रेड सीसी थी तो ये कौन है भैया क्या ये यह निडरथलमैन है क्या ये होमो सेपियंस है, है? या होमो इरेक्टस है वॉट शुड बी दी करेक्ट आंसर एनसीआरटी में क्या लिखा है स यू गॉट इट राइट होमोरेक्टिस ह्यूमन रिवोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीआरटी में बड़ा ब्रीफली दी है लेकिन क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकते हैं ह्यूमन रिवोल्यूशन में प्रायर टू ए मैन पता होने चाहिए कौन कौन है ड्रायोपिथिकर्स रामापिथिकस सिवापिथिकस है ना एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन ऑस्ट्रेलोपिथिक ठीक है ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन होमोसेपियंस निंडर्थिल होमोसेपियंस फोसिल होमो सेपियंस सेपियंस, होमो फ्यूचर फ्यूचरालिस, ठीक है ध्यान रखना चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नाइनटीन The factor that leads to founder effect in a population is, right? क्या होता है founder effect? देखो ये एक ओरिजिनल पेरेंटल पॉपुलेशन है दिस इज ओरिजिनल पेरेंटल पॉपुलेशन मान लो दस हजार लोग रहते हैं यहां पे सर्टन इंडिविजुअल्स से पंद्रह से बीस दे माइग्रेट to a new isolated place, ठीक है? They settle here, they breed among themselves and they increase the frequency of allele which they are carrying. तो ये genetic drift की ही एक उदाहरण है। Gene frequency कई कारणों से बदल सकती है। Natural selection gene frequency को बदलता है, बिल्कुल बदलता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज दी सडन चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी सडन अचानक बदले सडन वर्ड पर ध्यान देना है इट इज सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू सम कैन बी माइग्रेशन टू अर्स प्लेस जैसे फाउंडर इफेक्ट ठीक है जी ये क्लियर है राइट सो जेनेटिक ड्रिफ्ट का उदाहरण होते हैं फाउंडर इफेक्ट और एक और भी होता है बॉटल नेक इफेक्ट जिन लोगों को ये डिटेल में समझने हैं आप मेरे इवोल्यूशन के वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है चलिए जी ठीक है

प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट पैरासाइटिड कॉजेज मलेरिया अलग अलग स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की प्लाज्मोडियम फेलसीपैरम प्लाज्मोडियम ओवेल प्लाज्मोडियम मलेरिए है ना सो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इसको फैलाता है तो मच्छर जब हमें काटते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काटते हैं ना हमें क्योंकि उनके पास प्यरसिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं अच्छा मच्छर हमारी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं क्योंकि भाई हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्जेल आउट करते हैं द क्वेश्चन इज वाई extra additional information be there why mosquitoes are attracted towards humans what is the reason the co2 which is exhaled in our breath hamara warm body temperature and aloe moons in our sweat पसीने में अट्रैक्टिव केमिकल सब्सटेंस दे आर एलोमोन्स ठीक है इन कारणों से मच्छर हमारी तरफ आकर्षित तो हो जाते हैं तो फीमेल एनोफिलीज मच्छर ही काटते हैं चाहे फीमेल क्यूलिक्स हो चाहे फीमेल एडीज हो मलेरिया की बात करें तो फीमेल एनोफिलीज है फीमेल मच्छर हमें काटते कैसे हैं क्योंकि फीमेल मच्छरों के पास पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हैं कोई मुझे बता सकता है मच्छरों को हमसे क्या चाहिए राइट जी आदित्य कह रहे हैं सर आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हो उससे मेरे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पूनम ने सही जवाब दिया सीरम मच्छर जब हमें काटते हैं ना तो क्यों काटते हैं भैया फीमेल मच्छर को हमारे खून में से हमारे लहू में से हमारे ब्लड में से एक प्रोटीन चाहिए जिसका नाम है सीरम एल्बुमिन क्यों चाहिए क्यों चाहिए अंडे बनाने के लिए फॉर फॉर्मिंग इट्स एग्स तो रसीर में एल्ब्युमिन ब्लड प्रोटीन लेने के लिए हमारा खून चूसा जैसे मच्छर ने हमारा खून चूसना है अपना वो नुकीले पीर सिंघ इन सकिंग माउथ पार्ट हमारी चमड़ी में घुसेड़े तो वो पहले अपना सलाइवा डाल देता है मच्छर के सलाइवा में एक एंटीकोएगुलेंट होता है मच्छर के सलाइवा में एक एंटीकोएगुलेंट है ताकि ब्लड क्लॉट ना कर जाए व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंटीकोएगुलेंट अक्षत ठाकुर नेम ऑफ द एंटीकोएगुलेंट इज एनोफेलीन तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा जब मच्छर सलाइवा डालता है ना तो अपने सलाइवा के साथ वो सैकड़ों स्पोरोजॉइड्स डाल देता है स्पोरोजॉइड्स क्या है दीज आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ इंफेक्टेड वो मच्छर इंफेक्टेड होना चाहिए हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं हो जाएगा अगर उस मच्छर के सलाइवा में स्पोरोजॉइड प्रेजेंट हैं, सो द करेक्ट आंसर इज स्पोरोजॉइड याद रहेगा सबको स्पोरोजॉइड्स ब्लड में जाते हैं ब्लड से लिवर में चले जाते हैं फिर बहुत सारी स्टेजेस आगे होती हैं लिवर से जो है माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजॉयड माइक्रोमेटाक्रिप्टो मीरोजॉयड बनते हैं आरबीसी को अटैक होता है फिर आरबीसी के हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है फिर वहाँ पर न्यूट्रिटिव स्टेज बनती है ट्रोफोजाइड फिर गैमिटोसाइड स्टेज बनती है सो कम्प्लीट लाइफ साइकिल जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरे नाम से ढूंढ लीजिएगा अगला सवाल बायोटेक्नोलॉजी में से आराम से बताइए थैंक यू आयुष कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो रोहित कह रहे हैं वी वांट मोर सेशंस लाइक दिस बिल्कुल रोहित कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसे सेशंस में लेके आऊं आई प्रॉमिस दिल से पक्का बस आप प्रॉमिस कीजिए सेशन को लाइक like करेंगे करवाएंगे और ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे बड़ा जरूरी हो चुका है आज तक लोगों तक जो है बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे बहुत से यूट्यूबर्स सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड टीचर्स गुमराह कर रहे हैं आपको है ना सिर्फ ग्लैमर परपज के लिए आकर के तो उनसे बचना बड़ा जरूरी है तो वो आप कर सकते हैं चलिए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आर वन इको आर वन ये भी ध्यान रखना ईको आर वन क्यों कहा गया ऐसे है ना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है उल्टा सीधा एक समान जैसे मैडम वर्ड है शुरू से एंड तक पढ़ो एंड से शुरू तक पढ़ो ये मैडम ही कहलाएगा मैडम आई एम एडम इसको पढ़ लो वो भी वही बनेगा सो so, इसका पैलिंड्रॉमिक सीक्वेंस आपके लिए याद रखना बड़ा जरूरी है ये सवाल पूछा जा सकता है नीट में एन में दिया हुआ है द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन जी ए ए टी टी सी सी टी टी ए जी क्लियर राइट सोनू कुमार मैं फिर से बता दूं आप बच्चे मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कीजिए डॉक्टर सचिन कपूर टॉक तो चलिए करते हैं टॉक आपसे बात करते हैं मैसेज कीजिएगा जरूर निधि आयुष ठीक है अगला सवाल 22 बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से उठाया गया सवाल सेशन को लाइक जरूर करते रहिए 200 लाइक्स तक हमें पहुंचाना है करिए जल्दी से और करवाइए ग्रेट जी बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम लिंक भी नजर आ रहा होगा निखिल क्रैश कोर्स का भी मैं जल्दी ही अनाउंस करूंगा आप चिंता नहीं कीजिए प्रॉमिस किया तो जरूर कवर करेंगे आपके साथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस सुनहरे चावल इट हैज येलो ग्रेन ड्यू टू अंट्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रमेटिव राइस वेराइटी इटमिन एंड रिचड विद्रॉम डेफोडिल इट इज दी विद्रॉम बैसिलसूरेंट डेवलप्ड यूजिंग ए ग्रुप बैक्टीरियम वैक्टर गोल्डन राइस के बारे में भानुप्रिया साहिल चंद्रा निखिल कपूर आपका जवाब बिल्कुल सही है वाइटमिन ए से भरपूर है गोल्डन राइस वाई इज वाइटमिन ए रिक्वायर्ड राइट चलो जी जल्दी से हम यहां पे रोल ऑफ विटामिन ए पढ़ लेते हैं विटामिन ए को ना रेटिनॉल भी कहते हैं स्किन के लिए आईज के लिए बड़ा जरूरी आंखों में किस लिए एल्डिहाइड फॉर्म Of vitamin A, retinene is involved in production of rhodopsin, iodopsin. याद रहेगा, right? Retina में, है ना? तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है। रेटीना में होता है ना रॉड्स एंड कोंस चलो मुझे बताओ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से क्या बीमारी हो जाती है सोनू बेटा कह रहे हैं आप जैसे टीचर नहीं देखे सोनू थैंक यू सो मच लेकिन मैं डांटता भी बहुत ज्यादा हूं जब बच्चे बदतमीजियां करते हैं तो मैं टॉलरेट नहीं करता मैं उनकी ईगो को नरिश नहीं करता मैं किसी को झूठे ख्वाब नहीं दिखाता मेरी ये बड़ी स्पष्ट बात है और बहुत जगह प्लेटफॉर्म्स पे चैनल्स पे आपको लोग मिल जाएंगे जो झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं आपको मेरा तो सिंपल मानना है इट इज बेटर टू बी स्लैप्ड विद विद्रूथ राधर लाइन झूठ के साथ कोई आपके गाल चूम रहा है और सच की एक चपेड़ मार रहा है सच्चाई का थप्पड़ भला होता है झूठे वादों से राइट right, जी सो वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस नाइक्टेलोपिया कॉर्निया भी ड्राई हो जाता है सूखने लगता है जेरोपथेलमिया ड्राई कॉर्निया ठीक है याद रखें आप सबको याद रहेगी बात सो विटामिन इसीलिए कहते हैं किन चीजों में होता है जो देखने में ऑरेंज है गाजर खाओ विटामिन ए मिलेगा टमाटर खाओ है ना जो भी चीजें गोल्डन से कलर की हैं लाल रंग की वहां से आपको वाइटामिन मिल जाएगा क्योंकि वहां पे ये कितनी बार एक बच्चा लिख रहा है आई एम इन साउथ एक्स आकाश तो तुमने ये आईडी क्यों बनाई हुई है घरेलू रसोई वाली तुम साउथ एक्स आकाश में हो दैट्स वेरी गुड यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस बट दिस इज टोटल नॉन योर यूर आई इज भविष्य की रसोई तो रसोईया बनना है आपको भविष्य में कुछ अकल से काम लो ना इस चीज के अपना प्रॉपर नाम रखो जिसके आगे डॉक्टर वर्ड जब लगेगा तो दुनिया पहचानेगी और पचहत्तर बार तुमने वही बात लिख लिख के भेजी है दो मुझे भी और चैनल वालों को भी ठीक है जी ओके सो ये बनता किससे बीटा कैरोटीन चाहिए होता है बीटा कैरोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन ए तो भाई गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है जिससे विटामिन ए बनेगा तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी अगला सवाल क्लास इलेवेंथ के डाइजेस्टिव सिस्टम में से एंटेरोकाइनेज में से आपने एक एंजाइम सुना है एंटेरोकाइनेज जिसे एंटेरोपेप्टिडेज भी कहते हैं भाई हम जानते हैं पैनक्रिया से आने वाले जो एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज वो इनएक्टिव होते हैं बच्चे कह रहे हैं ये क्लिनिकल केस था बिल्कुल बिल्कुल मेरे हर सेशन में क्लिनिकल केसेज आते हैं पता नहीं क्यों <laughs> जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और 200 हंड्रेड लाइक हमें अचीव करने हैं फॉर दिस वंडरफुल सेशन सो एंटेस क्या करता है से आता है और पेनक्रियाज के इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल देता है को एंटेरोप्टीडेस भी कहते हैं कहां से आता है ड्योडिनम से आता है याद रखना को रिलीज करती है डेडिन ठीक है जी ट्रिप्सिनोजन कैसा है इनैक्टिव है जब ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाता है ना, ट्रिप्सिन फिर प्रोकारबोक्सी nice को काइमोट्रिप्सिन में बदल देते, है, प्रो को देते है, और आप जानते हैं, ट्रियसन, ट्रियसन, प्रो हैं। अगर से जब रिलीज हुए पैनक्रिया तो को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे अक्षय बेटा अक्षय कह रहे हैं सर और किसी भी क्लास में इतने क्लिनिकल केस नहीं आते सिर्फ आपकी क्लास में आते हैं तो वो मुझे चाहने वाले इतने ज्यादा है ना वो कहते हैं मी और मी और हेट मी बट यू कैनोट इग्नोर मी सही बोला मैंने प्यार करो नफरत करो इग्नोर नहीं कर सकोगे <laughs> चलो जी सो दी ठीक है जी चलिए जय मंडल ये सब कोई एक्स्ट्रा नहीं है यह सब चीज इंक्लूडेड है हर चीज एनसीआरटी से उठाई हुई है आप एनसीआर को अच्छे से पढ़िए चौबीसवा सवाल ब्लड को एगुलेशन में से नेम द ब्लड एलिमेंट्स

तो एक्चुअल में प्लेटलेट वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर है तो हम कह देते हैं ना कि प्लेटलेट की कमी हो जाए तो भैया थ्रोम्बोसाइटोपीनिया थ्रोम्बोसाइटोपीनिया डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट तो प्लेटलेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए डेंगू के केस में डेंगू वायरस प्लेटलेट का नंबर डाउन कर देता है ना तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है जानते हैं आप ही बात डेंगू के केस में जो हम कहते हैं डेंगू हेमोरैजिक फीवर डीएचएफ होता है कौन सा मच्छर डेंगू फैलाता है जल्दी से बताइए सोनू कह रहे हैं नफरत भी होनी चाहिए नहीं तो प्यार का इंपॉर्टेंस क्या है मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं आप प्यार करते हैं मुझसे है ना और कोई नफरत करता है तभी तो मैं कंपैरिजन रख सकता हूं तभी तो आपके लिए मेरे दिल में प्यार मान होगी जब मुझे वाकई पता होगा कि नफरत करने वाले लोग भी हैं तो बुराई है अच्छाई है इसीलिए अंधेरा है रोशनी है एडीज एडीज मच्छर टाइगर मॉस्किटो डेंगू फैलाता है पच्चीसवा सवाल माइलिन शीत कहाँ पे है माइलिन शीत दिमाग में फटाफट क्या आ जाता है माइलिन शीत के आते ही आप कहेंगे सर न्यूरॉन तो न्यूरॉन के चारों तरफ आपने पढ़े हैं शॉन सेल्स होते हैं शॉन सेल्स का दूसरा नाम होता है न्यूरोलेमोसाइट्स शॉन सेल्स न्यूरोलेमोसाइट्स माइलिन शीत बनाते कहां पे? में व्हाट इज पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स कहां होते हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट सी एन एस में होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ठीक है जी सो माइलिन शीथ जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की न्यूरो बनाते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी माइलिन शीथ कौन बनाता है शॉन सेल्स बनाते हैं ये डिफरेंस है माइलिन शीथ को मेडुलरी शीथ भी कहते हैं माइलिन शीथ इज मेडुलरी शीथ व्हाट इज द पर्पज इंसुलेशन So well सेशन, अभी अभी हमने जो करा है 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस करें और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके सारे सवाल सही गए हैं एंड दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेशन को लाइक like कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं करा था शेयर भी जरूर करिएगा ठीक है जी पच्चीस का आंसर आपके सामने आ चुका है ग्रेट जी भविष्य की होम किचन कह रहे हैं सर आप बहुत ही खराब हो बिल्कुल जी आप जैसे लोगों के लिए तो हम ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे आप अपना रसोई घर चलाइए जिस नाम से आपने आईडी बनाई हुई है भविष्य होम किचन क्या बात है बनने के ख्वाब देखे डॉक्टर बनने के और आईडी है होम किचन वाली वंडरफुल प्रमोट उस चीज को कीजिए जो वाकई आपका भविष्य बनने वाला है ठीक है जी चलिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मैं आपको बता दूं कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा एक इंपॉर्टेंट आपको लिंक यहां पे मिलेगा जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि आप रैंकर्स पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं स्कॉलर्स पैकेज डेली प्रैक्टिस सेट पैकेज या मॉक टेस्ट सीरीज सो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है ए जो है ये वाला प्रोडक्ट जो है अगर आपको ज्वाइन करना है तो रैंकर्स पैकेज में है इट इज अ पेड प्रोडक्ट और यदि आप ये कोड यूज करते हैं वाई टी नीट टेन तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा ठीक है मेरे बच्चे चलिए जी बढ़े आगे ना स्मार्ट प्लेलिस्ट देख सकते हैं आपको मिलेगी एक लिंक में विच इज यूशन फॉर ऑल यूर नीड्स रिलेटेड टू नीट YouTube के लेक्चर्स का लिंक एनोटेटेड सेशन नोट डेली प्रैक्टिस पेपर्स एंड ये हमारी कंप्लीट टीम है जो दिन रात आपके लिए तत्पर है ठीक है जी क्लियर है मेरे बच्चे नाउन no.

फॉर एनी डिस्कशन रिलेटेड टू नीट एंड sending messages is allowed in this group. It is permitted, ठीक है फयाज़ हुसैन तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे कोई भी सवाल है आपका नीट रिलेटेड कोई भी डिस्कशन आप चाहते हैं तो हम कर सकते हैं चलिए अब आपसे विदा लेते हैं लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा सेशन शेयर जरूर कीजिएगा पढ़ते रहिए ऐसे और सेशंस में आपके लिए लेकर के आऊँगा टिल देन गुड बाय